हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज टू एजुकेशन। और आप लोगों की डिमांड पर ARI मेंस का पेपर मैं लेके आया हूँ, और इसमें दो पेपर हुए थे, तो हाईवे कोड मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स, इसके दो पेपर हुए थे। तो ये ARI मेंस का पेपर है 2014 का, तो आप देख सकते हैं। तो पूरा पेपर मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, और आप इस पेपर को अच्छे से देखिए। और आप अगर ARI पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं ये 2 घंटे का पेपर था 50 मार्क्स का, और सेकंड पेपर आपका 3 घंटे का पेपर आपका 100 मार्क्स का था। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये पहला पेपर है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको पेपर लिखना था। ये मेंस का पेपर है जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप ऐसे जुड़े रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पेपर इसमें दिखाए जाते हैं, ताकि आप आगे वाले, अगर आप उसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और मेंस का जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी मीडियम में लिख सकें, और इंग्लिश मीडियम के छात्र इंग्लिश मीडियम में लिख सकें। अगर हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी क्वेश्चन में, तो इंग्लिश वाला ही वैलिड माना जाता है। आप देख सकते हैं पहला जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो खत्म हो चुका है, और ये दूसरा पेपर आ चुका है जो 3 घंटे 100 मार्क्स का है। तो इसको भी आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पेपर से ये फायदा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप से जो आपका पैटर्न है आयोग का, तो वो बिल्कुल दिख जाता है। तो उसी हिसाब से आयोग का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, चाहे 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर वही पेपर दोबारा आता है तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो उसी पैटर्न के आधार पे जो आपका यूके पीएससी है आपका पेपर बनाते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पेपर बनाती है तो उसी पैटर्न के बेस पे बनाती है, सिलेबस बेस्ड पे। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा पेपर था, तो दूसरा पेपर भी समाप्त हो चुका है। और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। इसी तरीके से एजी टुडे एजुकेशन के साथ आप जुड़े रहिए, और काफी क्वेश्चन पेपर और भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो भी आने वाले एग्जाम आगे होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ।